हंस रहा है वो आपकी गोदी में। बस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ और हम लोग जा रहे हैं 3 घंटे में। और पता है आपको, राजा नहा लिए, मैं नहा भी नहीं पाई सुबह से, इतना काम हो गया और टाइम भी नहीं मिला। अभी जो टाइम है वो हो रहा है 3:30। मेरी जो हाउस हेल्प है वो भी आएगी एक बार, और आने के बाद वो थोड़े बर्तन जो है वो करेगी। अभी मैं प्याज भून रही हूँ और ये प्याज भून रही है, और अब मैं इसमें ना भिंडी डाल रही हूँ। मैं भिंडी की सब्जी और गोभी की सब्जी और पूड़ियाँ बना के ट्रेन के लिए लेके जा रही हूँ, क्योंकि ट्रेन में आपको खाने की ज़रूरत पड़ेगी रात में, और सबसे बेस्ट होता है घर का खाना। तो चलिए हमें, हाँ जी, ये ट्राईपॉड वगैरह पैक कर रहे हैं, और मैं जल्दी से ना ये जो भिंडी है ये मैंने बना ली। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जो अदरक है वो है ना दादा दादी के पास। तो अब मैं पूड़ी का आटा गूंद रही हूँ, भी चढ़ा दी है, वो भी बन रही है, और ये जो भिंडी है ये भी हो रही है। तो अब मैं जल्दी से पूड़ी सेक रही हूँ और फटाफट पैकिंग करती हूँ। तो फाइनली हो गए तैयार मैं सुबह से अभी तक, और राजा सुबह से अभी तक एक टांग पे खड़े हैं। खाना वाना सब पैक हो गया, डुगू को तैयार कर दिया है। सिलेंडर ऑफ करना, चलो सही है, हाँ चलो। तो यहाँ हो गए हैं बर्तन भी, और पूड़ी का तेल गर्म था, रसोई दे दिया मैंने। जाऊँ मैं? जाऊँ? हाँ। इसका बैग उठा रही हूँ। अभी गई कोई? टाइम हो गया क्या? हो गया। अरे कल तो 5 बजे भाई। ये डुगू का बैग। हाँ। आएगा? टैक्के चटाएगा? आपको दिख रहा? हाँ, मेरे को नहीं दिख रहा, इधर उधर दिख रहा, हंस रहा था। है ना भैया? कहाँ गया राजा? अरे टीका कराओ और लग गया पापा के गाल में भी लग गया। आप भी चल रही हो? मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे से बैठा ही नहीं जाएगा। मेरे से बैठा ही नहीं जाएगा ना। देखो मिठाई दे देना। हाँ। दिवाली की। हाँ। और ये रास्ते में खा लेना, थोड़ी सी मट्ठी बनाई थी मैंने। हाँ। रास्ते में खा लेना, और तुम इसकी टॉफी खा लेना भैया। इसकी टॉफी रास्ते में खा लेना, ठीक है? अच्छा, बहुत अच्छी लग रही है। ये खरीद के लाए थे? लगवाई अभी, खरीद के लाए है ना। हाँ। पुरानी वाली सारी वो बेची। ये भी रख लेते हैं, लगा लेते हैं। बस चल चल, माता रानी को हमारा भी प्रणाम करना। हाँ। अगले साल तक थोड़ा। हाँ, हाँ। आज तक खूब देर सो लिया आपने? सुबह भी सो ही रहा था, झूले में झूला के खिला दिया था। उसका आधा झूले की है ना। हाँ हाँ। जाले हो, जल्दी आना है। तुम्हें जल्दी आना, घूमी घूमी जा ले, चुक्कू चुक्कू में जा ले, आगे फिर तुम्हें गंजा कला देंगे, ठीक है? मैं भी चलूं क्या? नहीं भाई, नहीं बैठी नहीं पाती ना तुम। चलो चलने। नहीं नहीं, तुम स्टेशन भी जाना पड़ेगा ना हमको, वहाँ अंदर भी जाना पड़ेगा मेरे को। तुम कहाँ जाओगी वहाँ पर? चलो जाओ, चलो पकड़ो तुम। पकड़ो उसे। अरे इसको टीका लगा दिया, फैला ले आओ पूरा। कोई बात नहीं, फैला दो। जय 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 जय, बाय 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 बाय, घूम जा ले, अगर घूम जा ले, जल्दी आना है। चल जल्दी आ जाना।
तो जर्नी स्टार्ट हो रही है हम लोगों की। मैं बैठ गए, 5:15 हो गया है, 6 बजे की ट्रेन है, बस जल्दी से यहाँ से निकलते पहुँचते स्टेशन पहुँच के ब्लॉगिंग कंटिन्यू करेंगे। डर लग गया तो सुंदर बन गया ये तो ना। ये चेंज हो गया रेलवे स्टेशन 17:50। अरे 6 भी नहीं बजे और अंधेरा हो गया। कितने सारे बैग उतार लिए। हाय राजा कैसे लेके कितने लोग जा रहे हैं। पापा आप भी जा रहे हैं हम लोग के साथ। डियर की ले लो। कहाँ डियर? ओह डियर। तो हम लोग पहुंच गए हैं जलपुर स्टेशन और ये नया अभी कुछ बना है, चलिए आपको दिखाता हूँ मैं क्या है। ये डियर है। कौन लेके जाएगा इतना सारा सामान? यही तो ट्रेन यही खड़ी है ना। यही है यार ट्रेन, ले जा नहीं ट्रेन खड़ी एक अभी खड़ी है। अंदर तक पहुँचा दोगे? फर्स्ट एसी में। कहाँ पे है फर्स्ट एसी? आगे अच्छा बन गया ना। H1 है ऊपर पे चलो। अरे ये मोबाइल छूट गया मेरा। डुगू पापा के पास में है और ये हम लोग कल बर्थ है तो हमें ना कूप मिल गया है फाइनली। तो राजा का फोन छूट गया है कार में तो राजा फोन लेने गए हैं अपने। तो मैं बैठ गई हूँ, राजा भी आ रहे हैं डुगू को लेके आएंगे। पापा बाहर है डुगू के पास तो जितना टाइम वो स्पेंड करे उतना अच्छा है। अभी टाइम है ना। आ गया फाइनली ट्रेन में बैठ गए हैं और इस चीज की टिकट कंफर्म नहीं हो रही थी। कपल मिला या नहीं, केबिन मिला है या कूप मिला है, तो
फाइनली कूप मिल गया है, लेकिन हम लोग को वही लग रहा था हम लोग का लगेज भी बहुत ज्यादा था। अगर चार सीट वाला केबिन मिल जाता तो हम लोग बहुत दिक्कत जाती है सामान वगैरह रखने में, लगेज रखने में। लेकिन अब कोई कंफर्म हो गया कि कूप है तो कोई टेंशन नहीं, समोसे खाए जा रहे हैं फिलहाल। तो ट्रेन चल दी है और आप चला डग्गू नाना नानी के घर फाइनली, समोसा खा लो डग्गू। तो क्या हुआ था आज सुबह से ऐसा हो गया था, हम लोग दिन से ना ऐसे बक बक के काम कर रहे थे और खाना ही नहीं खाया कुछ भी। तो मैंने जो पैक किया इनने बोला कि अभी नहीं खा पाए, टाइम नहीं है। फिर अपने वहाँ पे बहुत ही अच्छे समोसे मिलते हैं तो इन्हें समोसे पैक करा लिए थे और गर्मी बहुत लग रही है यहाँ पे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को अपने साथ ट्रेन के सफर में लेके चलती हूँ, जबलपुर जंक्शन। बाय बाय। हम लोग लास्ट ट्रेन में बैठे थे फरवरी 2020 और उसके बाद हम लोग कहीं जाते पर डिग्गू आ गया। ट्रेन ट्रैवलिंग में एक प्रॉब्लम हुई है कि कंबल नहीं है, चादर नहीं है, कर्टेंस नहीं है। तो हम कंबल वगैरह तो ले आए हैं, डिग्गू का तो मैं बहुत सारा सामान रख के लेके आ गया, तो आई मैं इसको बिछा के इसे लेटाऊंगी। तो ये अभी आराम से लेटा हुआ है यहाँ पे। और राजा ने आई थिंक फैमिली रूम में फोटो भेजी है तुमने। नहीं मेरा बच्चा, तो मेरी बेबी की है पहली ट्रेन ट्रैवल जी। दिवाली मनाने जा रही है होली। तो अभी हम लोग ब्लू लाइट में एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर ले अपनी फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल। क्यूरियस है ये, बहुत क्यूरियस है, इसमें बहुत अच्छा सा लग रहा है। ये तो फिर ऊपर इधर उधर देख रहे हैं कि क्या है और क्या है, और नेचुरल स्विंग मिल रही है क्योंकि ट्रेन हिल रही है ना। मैं सोच रहा हूँ कि मैं दाव कमाना, मेरे को थमद नहीं आ रहा है अभी कुछ भी। तो मेरे को जब थमद में आएगा तब मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इस ड्रेस का एक बटन टूट गया, एक मैंने लगाया नहीं, वो डर लग रहा है कि वो भी ना टूट जाए। की ड्रेस तो देखो ठंडी ना लगता है कुछ। ये आ गया है सिहोरा। हेलो एवरीवन। ओ देखो आलू बंडे गरम गरम आलू बंडे। ये आ गया है सिहोरा रोड। आई थिंक सिहोरा में रुकती होगी ना, ये रुकती आई थिंक है ना, सब जगह ये हर जगह रुकती है। तो सिहोरा आ गया है और सिहोरा में रुक गए और हम लोग को कटनी में एक बार अलग उतरना पड़ेगा। मुझे इस ट्रेन में ये खासियत है कि ये हर स्टेशन में रुकती है पर ट्रेन अच्छी है, पर थोड़ा आराम से सोते थे। एक्चुअली गोंडवाना 6 बजे पहुंचा देते, 6 बजे उठने का मन नहीं करता है। ओले आपका खिलौना लाए पापा। डुगू बेबी, इतनी खुशी। मुझे साफ हो गया ना जी। हमारे नाक के छेद कितने सेम है ना मम्मा को भी पता है। एक ही कंपार्टमेंट भरा हुआ है, वो भी खूब भरा हुआ है और बाकी सब खाली पड़े हुए हैं। हमारे ना बाजू वाला आई डोंट नो, ये वाला तो खाली है और ये है हमारा, आई थिंक हमारे बाजू वाला भरा। हमारे बाजू वाले में एक फैमिली है, मतलब तीन लोग आए थे, तीन कंपार्टमेंट जो है, लाइक दो कूप भरे हुए हैं, एक कैबिन भरा हुआ है ना डुगो। और यहाँ पे डुगो आराम कर रहा है। ये वाली जो सीट है ये सैनिटाइज करनी है हम लोगों को, मैंने आते ये वाली सैनिटाइज कर दी थी। अभी राजू ने सैनिटाइजर ना अपने बैग में रखा हुआ, निकाल के देखिए तो ये वाली सीट जो है सैनिटाइज करनी है। फिर मैंने डुगो के लिए यहाँ पे बिछा दिया है और डुगो आराम से लेटा हुआ है।
उसे अच्छा लग रहा है। डुगू को पता क्या होता है, डुगू कुछ भी स्विंग हो रहा होता है ना तो डुगू बहुत अच्छा फील करता है। मतलब कुछ भी हो, कहीं भी जाए कि उसका स्विंग हो या कुछ हो, बस हिलते रहना चाहिए। तो ये बहुत ही आराम से लेटा हुआ है, लेटे हुए आलू 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 के सवा सात, और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा सोने, बहुत थकान सी हो रही है। और थोड़ा सो के फिर हम बीच में उठेंगे खाना खाने। इस बीच में थोड़ी एडिटिंग भी कर लूंगी और डुगू के लिए सीट तैयार की जाए। तो मैं और डुगू नीचे सोएंगे, राजा ऊपर सोएंगे। मम्मी डबल बेड नहीं है क्या? पापा की याद आई तो पापा के पास ऊपर छोड़ देंगे। ज़्यादा पसंद है मुझे ट्रेन में, सबसे ज़्यादा भूख लगती है मुझे। घर में इतनी भूख ही लगती है जितनी मुझे ट्रेन में लगती है। पता है इसको बहुत अच्छा लग रहा है, नींद आ रही है बिना कुछ। अब हम छो जाएंगे, हाँ लैपटॉप भी चार्ज करूँगी बीच में। कुछ सो गया है और मैं इतनी सी जगह पे हूँ, लोग को बहुत खुल के सोते हैं। मुझे बेड पे भी मैं हमेशा गिरने वाली ही होती हूँ, पर ये सोए अच्छे से बस ये चाहिए। तो कटनी जंक्शन आ गया है और राजा गए हैं एक वाटर बॉटल लेने, क्योंकि हम लोग पास 1 लीटर है, सॉरी 2 लीटर की बॉटल है। और 1 लीटर और लेने गए हैं कि रात भी रात अब कहाँ उतरेंगे बार बार। तो एक कटनी जंक्शन है, यहाँ से ले रहे हैं पानी की बॉटल। इसने अपनी पूरी बेडशीट जो है, मतलब जो मैंने इसे बचा के रखी है, वो कर दी है खराब। और मैंने इसे कंबल ढक के रखा था। ये कहाँ था? हम लोग जो गोल्ड लेने गए थे ना यहाँ से, वहाँ से ट्रेन चलने लगी। तो ये राजा ले आए हैं चाय, ये हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं अभी। और हम लोग उतरे च्युइंगम लेने, च्युइंगम नहीं मिल रही ना राजा? च्युइंगम नहीं मिली है, अब कैसे चलेगा मम्मा का? है समोसे वाला, लोग खाना खा रहे हैं। हर इंसान मुसाफिर है, हर इंसान को कहीं ना कहीं पहुंचना है। ये है सुलभ शौचालय। लाइट जलाना ना यार, अंधेरे में क्यों कर रही हो? मैं तो छो के उठ जाता हूँ बाबा। अभी ट्रेन चलेगी तो बड़ी अच्छी नींद आएगी। तो क्या है, ट्रेन ऐसे ऐसे हिल रही है तो इसे बड़ी अच्छी नींद आ रही है। तो अब इसके बाद वाला स्टेशन तो पता ही नहीं मुझे कौन सा है, एक बार देखती हूँ मैं कि रूट क्या है। ट्रेन में आए हैं तो इनका फेवरेट काम है सोना। आज पता चल गया 9:30 बजे, 12:30 बजे ठीक है। मेरा किसी का मेरा ख्याल किसी को नहीं था कि मैंने खाना नहीं खाया। ये भी पापा पे गया है ट्रेन में, ही इज आल्सो एंजॉयिंग स्लीपिंग, फिर उठ रहा है, फिर मस्ती कर रहा है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने में लगा है ना, है ना? अब हम लोग फाइनली खाएंगे 12:30 बजे खाना। सोने तो दो, तुम भी क्या याद रखोगे किस रहीस से पारा पड़ा तुम्हारा? अच्छा, किस रहीस से पारा पड़ा? सुबह 9:30 बजे पहुंचेगी दिल्ली ट्रेन। जागते रहो। आज अब मैं आपको खाना दिखाती हूँ जो कि मैं दिखा नहीं पाई थी। डिनर जो कि गरम तो नहीं है हालांकि, पर घर का है। घर का खाना कौन खाता है ट्रेन में? ट्रेन में घर ही का खाना सबसे। चेयर में नहीं देनी चाहिए, आराम से बैठो ना, आराम से आई खुश खुशबू। हाँ, भिंडी की कोपचे में खाना खाया गया था, कोपचे में।
देखिए बैकग्राउंड में आवाजें सुनिए बस। ये हमारा डिनर म्यूजिक है, डिनर रोमांटिक डिनर म्यूजिक। तो ये है आलू गोभी, ये है आम का अचार, इसके बिना तो मजा ही नहीं आता, वो है मेरी सैंडल। और ये है भिंडी, ये है हमारा टेस्टी टेस्टी खाना। अब टेस्टी है या नहीं ये तो राधे बताएंगे, वो तो खा के ही पता चलेगा कि टेस्टी है कि नहीं। करते हुए इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, हम आपसे मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।